नॉलेज। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी एक्सरसाइज 8.2 का थर्ड सम। थर्ड सम, फर्स्ट और सेकेंड सम हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिए हैं, क्लियर। तो थर्ड सम में क्या बोला गया है आपको, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू टेबल। आपको ये डेसिमल में कुछ वैल्यूज दी हुई हैं और इन वैल्यूज को आपको किस में लिखना है, प्लेस वैल्यू टेबल में लिखना है। तो सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू टेबल बनानी होगी। वो हम कैसे बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे। क्या क्या लिखते हैं प्लेस वैल्यू टेबल्स में हम, हंड्रेड्स सबसे पहले होता है, हंड्रेड्स एस वाला जिसका मतलब होता है पूरे के पूरा हंड्रेड ब्लॉक। टेंस, टेंस में क्या होती है, टेन, वंस मीन्स वन पार्ट और टेंथ मीन्स वन बाय टेंथ। टेंथ वंस के बाद आते हैं टीएच वाले, टेंथ वन बाय टेन, हंड्रेड वन बाय हंड्रेड और थाउजेंड वन बाय थाउजेंड। आपको पता है कि डेसिमल वाले नंबर में डेसिमल हमेशा ही किसके बीच लगता है, वंस और टेंथ के बीच। यहाँ पे क्या लगता है, डेसिमल। तो अब देखते हैं यहां से कि प्लेस वैल्यू टेबल में हमें कैसे लिखने हैं इनको। टेबल में ये नंबर देखो, डेसिमल, हमें पता है कि डेसिमल के जस्ट बाद क्या आता है, टेंथ। तो ये वाली वैल्यू आपकी टेंथ है, ये वाली टेंथ के बाद क्या आता है, हंड्रेड। तो ये वाली वैल्यू आपकी हंड्रेड है और डेसिमल के एग्जैक्ट पहले यहाँ पे क्या आता है, वंस। तो ये वाली वैल्यू आपकी वंस है। क्या कोई हंड्रेड वैल्यू है यहाँ पे, नो, यहाँ पे कोई हंड्रेड नहीं है। तो हंड्रेड नहीं है तो हंड्रेड की जगह पे हम क्या लगाएंगे, जीरो। टेंथ की जगह पे क्या है, यहाँ पे टेंथ की जगह पे भी है जीरो। वंस के प्लेस पे, वंस के प्लेस पे क्या है, वंस के प्लेस पे है जीरो। वंस के प्लेस पे भी क्या है, जीरो है। ना ही इसमें कोई टेंथ दिया है आपको, ना हंड्रेड दिया है, वंस दिया है, उसकी वैल्यू क्या है, जीरो। तो जिसकी नहीं दी होती उसकी भी जीरो लगती है और जिसकी जीरो दी होती है उसकी तो जीरो लगनी है। डेसिमल के जस्ट बाद क्या आता है, टेंथ। टेंथ वाली वैल्यू क्या है यहाँ पे, टू। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टू और उसके बाद हंड्रेड, हंड्रेड मीन्स हंड्रेड टी एच वाला, उसकी वैल्यू क्या है, नाइन। तो टेंथ के जस्ट बाद क्या आता है, हंड्रेड। तो हंड्रेड की वैल्यू क्या है, यहाँ पे नाइन है। क्या इसके बाद कोई वैल्यू है यहाँ पे, कुछ नहीं है ना। इट मीन्स की थाउजेंड, थाउजेंड की वैल्यू यहाँ पे क्या है, इट इज जीरो। ये भी क्या है, हमारी जीरो है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर देखते हैं, डेसिमल, डेसिमल के जस्ट बाद यहाँ पे होता है टेंथ। तो टेंथ की वैल्यू यहाँ पे फिल कर दो जीरो। टेंथ के बाद ये क्या है आपका, हंड्रेड। तो हंड्रेड की वैल्यू फिल कर दो एट। क्या इसके बाद कुछ है, नहीं है। इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, जीरो। फिर से वंस पे देखो, वंस कहाँ है, ये डेसिमल है आपका, ये डेसिमल के बिल्कुल जस्ट इधर क्या होता है, ये वाली पोजीशन आपकी क्या होती है, वंस। तो यहाँ वंस पे क्या है, टू। तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे हम, टू, ये हम इसके लिए फिल कर रहे हैं। और इसके आगे कोई है, टेंस, टेंस प्लेस में कुछ नहीं है तो जीरो, और इसके उसके भी आगे कुछ भी नहीं है तो उसका भी जीरो। तो ये आपका है सेकेंड के लिए। तो ये वैल्यूज है आपकी सेकेंड के लिए। अब इसके लिए देखते हैं डेसिमल, देखो डेसिमल के जस्ट उस साइड वाली वैल्यू कौन सी होती है, टेंथ। तो टेंथ पे यहाँ पे क्या है, सिक्स। तो सिक्स यहाँ पे सिक्स लिख दो। ये कौन सी होती है आपकी, हंड्रेड। तो हंड्रेड पे क्या है यहाँ पे, जीरो। तो हंड्रेड पे क्या है, जीरो। उसके बाद कुछ नहीं दिया है तो इट मीन्स वो भी क्या होगा, जीरो। डेसिमल के जस्ट इधर ये वाली वैल्यू आपकी कौन सी होती है, वंस। वंस पे क्या दिया है यहाँ पे, नाइन। तो यहाँ पे लिखोगे आप नाइन। और वंस के आगे वाली ये कौन सी वैल्यू है आपकी, ये है आपकी टेंस। तो टेंस पे क्या दिया है आपको, वन। और उसके आगे कुछ है, नहीं है तो जीरो। क्लियर। इस नंबर को देखते हैं डेसिमल के इस साइड वाली, चेक कर दो पहले। ये होती है आपकी टेंथ, ये हंड्रेड। तो टेंथ पे क्या है, थ्री। टेंथ पे क्या है यहाँ पे, थ्री है। हंड्रेड पे क्या है यहाँ पे, टू है। हंड्रेड पे क्या है, टू। उसके बाद कुछ नहीं है तो वहां पे लगा दो आप जीरो। डेसिमल के इस साइड आ जाओ, इस साइड। तो इस साइड पहला नंबर होता है आपका वंस। तो ये क्या है आपका, एट। एट है आपका वंस। तो वंस के बेस पे क्या आएगा, एट। वंस के बाद क्या आता है यहाँ पे, वंस के बाद
टेंस, तो यहाँ पे फोर क्या है टेंस, तो टेंस की जगह पे फोर, और ये आपका क्या है हंड्रेड्स, तो हंड्रेड्स की जगह पे क्या आएगा यहाँ पे वन आएगा। ये नंबर देखो, अब इसमें सारी ही वैल्यूज आएंगी आपकी। पहले उस साइड वाली चेक कर लो, यहाँ पे आपका डेसिमल है तो डेसिमल की उस साइड वाली चेक कर लो। पहली होती है टेंथ, ये क्या है टेंथ, तो टेंथ के प्लेस पे यहाँ पे क्या आएगा एट। टेंथ के बाद होता है हंड्रेड, टीएच वाला हंड्रेड, तो हंड्रेड के प्लेस पे यहाँ पे क्या है वन, तो इसका हम लिखेंगे वन। और हंड्रेड के बाद होता है थाउजेंड, थाउजेंड के प्लेस पे यहाँ पे क्या है टू, तो यहाँ आपका इस बार आएगा टू। अब डेसिमल, ये डेसिमल है, डेसिमल के इस साइड चेक करते हैं। इस साइड पहला नंबर होता है आपका वंस, तो वंस की पोजीशन पे क्या है जीरो। उसके बाद है आपका टेंस, टेंस की पोजीशन पे भी क्या है जीरो। उसके बाद आता है आपका हंड्रेड्स, हंड्रेड्स की पोजीशन पे यहाँ पे क्या है टू। तो इस तरीके से आपको प्लेस वैल्यू में नंबर देख के वैल्यूज फिल करनी है, बहुत ईजी है, एक करोगे तो आपको सारे ही समझ में आ जाएंगे। ओके नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और फोर्थ सम देखते हैं आपका इस एक्सरसाइज का। फोर्थ में आपको क्या बोला है, स्टेटमेंट रीड करो, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। आपको जो स्टेटमेंट यहाँ पे दी है उसको आपने किसमें लिखना है, डेसिमल की फॉर्म में बनाना है। कैसे बनाएंगे, बहुत इजी है, बस समझते चलो। लेकिन सबसे पहले एक चीज और सीख लो, वो क्या, अगर आपको ऊपर एक ही नंबर दिया जैसे 1/100 है या 4/100 है या 9/100 है, तो आप उसको डेसिमल में कैसे लिखोगे। मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर नीचे दो जीरोस है मींस 100 है, तो आप क्या करोगे, उस नंबर को लिखोगे और पीछे से दो नंबर छोड़ के डेसिमल लगा दोगे। लेकिन यहां पर तो नंबर एक ही है, तो इसमें हम कैसे करेंगे, इसमें आप पहले इस नंबर को लिखो, आपने वन लिखा, वन के आगे आप जीरोस लगा लो, तीन लगा लो, दो लगा लो, जीरोस लगा लिया आपने, ठीक। अब नीचे क्या है हंड्रेड, हंड्रेड मीन्स दो जीरोस वाला नंबर है, तो आपको यहां से दो छोड़ के डेसिमल लगाना है, तो वन टू ये दो छोड़ दिए, यहाँ पे क्या आ गया आपका डेसिमल, तो आप इसको 0.01 ऐसे लिख सकते हो, ऐसे ही लिखना है आपको। अब करते हैं फर्स्ट सम, 20+9 29+ 4/10 को हम क्या लिख सकते हैं, एक जीरो है तो एक छोड़ के डेसिमल, मीन्स 0.4 एक छोड़ के डेसिमल आगे आ गया। 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं 0.01, कैसे किया दोबारा बता देते हैं, वन वन के आगे आप जीरो लगा लो, तो हंड्रेड है मींस दो छोड़ के हमें पॉइंट लगाना है, एक दो, दो छोड़ के हमने यहाँ पे क्या लगाया पॉइंट, बस अब कुछ नहीं करना है, इनको हमें क्या करना है ऐड। और ऐड कैसे करना है ये मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, लेकिन मैंने पहले बताया हुआ है फिर भी सुन लो। 29, अब 29 में तो कोई पॉइंट ही नहीं है, तो हम क्या करें, लेकिन ऐड करते टाइम आपको इसमें पॉइंट लगाना होगा, तो आप कहाँ पे लगाओगे, इसके लास्ट में पॉइंट लगा लो और लास्ट में दो जीरो लगा लो, डन, यहां हो गया। अब आपको जब भी ऐड करना हो आप ऐसे ही नहीं लिख सकते, इनको पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। अब यहाँ 0.4 लिखना है, तो यहाँ इसके नीचे कैसे लिखोगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लो। अब देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है 0, अब ये नंबर लिखना है पॉइंट के नीचे लगा लो, पॉइंट 0 है यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी क्या है 0। अब इनको करो ऐड, 1 और 0 1 4, पॉइंट का पॉइंट 9 2, तो क्या बना 29.41, क्लियर। इस तरीके से आपको ऐड करना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि इसको ऐड कैसे करना है। एक और करते हैं, यहां है 137+, अब ये है 5, तो 1 हो चाहे 5 हो आपको लिखना वैसे ही है, पहले आप 5 लिखो, लेकिन हमें यहाँ पे दो छह दो नंबर्स को छोड़ के पॉइंट लगाना है, इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे दो जीरोस, तो 1 छोड़ दो, 2 छोड़ दो, यहाँ पे आपका डेसिमल, क्लियर। अब इनको ऐड करना है, कैसे करेंगे, 137 में कोई डेसिमल नहीं है, तो इसमें आपको खुद से ही डेसिमल लगाना है, कहाँ पे, इसके लास्ट में, और उसके बाद दो जीरोस, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब पॉइंट के उस साइड क्या है 0 और क्या है 5, इस साइड क्या है 1 0, बस इनको ऐड कर दो, यहाँ पे 5, यहाँ पे 0, 1, यहाँ पे 7, 7 के बाद 3 और 1, क्या आया आंसर यहाँ पे 137.05, वेरी इजी, बस आपको यहाँ पे
ऐड करते टाइम ये पॉइंट का ध्यान रखना है। क्लियर? एक दो बार करके देखोगे आप लोग सीख जाओगे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ का सी पार्ट। अब इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आगे बढ़ता है। कैसे आगे बढ़ता है? अब तक हमने किया था बाय 100 आ जाए तो पॉइंट कैसे लगाते हैं। अब यहां पे इन्होंने दे दिया बाय 1000, मींस 4 के नीचे इन्होंने दे दिया 1000, तो यहां पे हम डेसिमल कैसे लगाएंगे? तो चिंता की कोई बात नहीं है, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही चलेंगे। कैसे? ये देखो, यहां से समझो, ये मैंने 1/1000 लिया है, तो हमें पॉइंट लगाना है। यहाँ पे कैसे लगाएंगे? 1 तो एक ही नंबर है, लेकिन नीचे कितने जीरो है? 1, 2, 3, नीचे 3 जीरोस है। इट मींस कि हमें 3 नंबर्स को पीछे छोड़ के उनके बाद उनके आगे क्या लगाना है? पॉइंट लगाना है। तो आप क्या करो, मैंने आपको बताया था कुछ नहीं, 1 है ऊपर तो 1 लिख लो, उसके आगे जीरोस लगा दो, 4 जीरो लगा दो, चाहे तो 3 चाहे 4 लगा दो। यहाँ पे हमने 3 जीरो लगा दी, हमें पता है यहाँ पे कितनी जीरोस है? 3 जीरोस। तो 3 नंबर को छोड़ के पॉइंट लगाना है, 1, 2, 3, 3 नंबर छोड़े, यहाँ पे क्या आ गया आपका? पॉइंट। ऐसे ही हमें यहाँ पे पॉइंट लगा के ऐड करना है। यहाँ देखो 7/10 है, एक नंबर छोड़ के पॉइंट 0.7, प्लस 6/100 है, 6 का 6 लिखो, यहाँ पे जीरोस, तो कितने छोड़ के पॉइंट लगाना है? 2 छोड़ के, 2 छोड़ के यहाँ पे क्या आएगा? पॉइंट 0.06, प्लस ये ऊपर क्या है? 4, 4 का 4 लिख लो, कितनी जीरोस है? 3 जीरोस। तो इट मींस हमें 3 नंबर्स को छोड़ के पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो इसके आगे खुद से ही जीरोस लगा लो। अब 3 नंबर्स को छोड़ दो, 1, 2, 3, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? पॉइंट आएगा। अब इनको करना है ऐड, ऐड करने का सेम ही तरीका है क्या? पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के ऐड करना है आपको। लिख लो 0.7 हमने लिख लिया, ठीक। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो, अगला नंबर डालो, क्या है पॉइंट के बाद? क्या है यहाँ पे? जीरो है, यहाँ पे क्या है? 6 है, और यहाँ पे भी क्या है? जीरो। फिर पॉइंट के नीचे रख लो पॉइंट, यहाँ देखो पॉइंट के बाद क्या है? यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, और यहाँ पे क्या है? 4 है, और यहाँ पे क्या है? जीरो। इनको करना है एड। कैसे होगा? 4 का 4, 6 का 6, 7 का 7, पॉइंट का पॉइंट, और जीरो। ये आ गया आपका आंसर, क्या है? 0.764। वेरी इजी। ये देखते हैं 23 + 0.2 + ये 6 का 6 लिखो, इसके आगे लगा लो खुद से ही जीरोस। कितनी जीरो है? 1, 2, 3, 1000 में तो 3 छोड़ के पॉइंट, 1, 2, 3, 3 छोड़ के यहाँ पे पॉइंट। कैसे ऐड करेंगे? बिल्कुल वैसे ही ऐड करना है, तो यहाँ पे लिख लो आप 0.006, पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर ये नंबर लिखो, यहाँ पे क्या है? 2, यहाँ पे क्या है? 0, फिर ये है 23। 23 का मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने यहाँ पे आपको, कि जिसके पीछे या आगे जिसके बीच में कोई पॉइंट नहीं होता, तो हम उसमें पॉइंट लगाते कैसे हैं? आगे नंबर को लिखते हैं, उसके पीछे पॉइंट लगा के जीरोस लगा दो, कितने भी लगा लो चाहे, ठीक। अब इनको करो ऐड, 6 का 6, 0 का 0, 2 का 2, पॉइंट का पॉइंट, फिर 3, फिर ये 2, तो क्या है आपका आंसर? 23.206। तो इस तरीके से हमें करना है इनको सॉल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट देखो, फोर्थ का ई। इसमें क्या है? 700 है, प्लस 20 है, प्लस 5 है, और प्लस 9/100 है। 720 और प्लस 5, 725, प्लस 9/100, 9 का 9 लिखो, इसके आगे जीरोस लगा दो, कितने छोड़ के पॉइंट लगाना है? 2 जीरोस है, तो 2 छोड़ के यहाँ पे पॉइंट। अब कर दो इनको ऐड, कैसे करेंगे? 725, 725, इसमें क्या है? कोई पॉइंट नहीं है, तो अब क्या करें? इसके पीछे पॉइंट लगाओ और 2 जीरोस लगा लो, पॉइंट के नीचे रखो पॉइंट, पॉइंट के बाद क्या है? 0 और 9, आगे क्या है? 0, तो कर दो ऐड, 9, 0 का 0, पॉइंट का पॉइंट, 5, 2, 7, तो क्या आया आपका आंसर? 7, 2, 5.09। क्लियर? इस तरीके से आपको करना है ये सॉल्व।
अब देखते हैं इसका नेक्स्ट सम। अब आता है आपकी इस एक्सरसाइज का सबसे इजी सम। इसमें क्या लिखा है बच्चों, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स एज वर्ड्स। इन सारे डेसिमल्स को आपको किसमें लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। वो तो बहुत ही इजी काम है। कैसे इजी काम है लिखते हैं, बताती हूँ आपको। यहाँ क्या है, पढ़ो इसको, पढ़ोगे और लिखोगे बस। 0.03 बस इसको आपको कैसे लिखना है, 0.03 और बस हो गया। नेक्स्ट देखो 1.20, ऐसे ही आपको यहां पे लिख देना है 1.20। आगे देखो 108.56, तो इसको आपको वैसे ही लिख देना है 108.5 और 5 के बाद क्या है यहां पे 6। ऐसे ही इनके नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर डी। इसमें आपको क्या लिखा है यहां पे, यहां पे क्या है 10। इसको 10 भी लिख सकते हो, तो यहां पे हम लिखेंगे 10.07 और यहां पे 7। इसको आप क्या लिखोगे, 0.0 के बाद क्या है यहां पे 3 एंड देन 2। इसको कैसे लिखोगे, 5 के बाद है पॉइंट देन 0.0, दो जीरो है तो 0.0 और इसके बाद है ए। क्लियर, बहुत इजी था ना, इस तरीके से आपको इनको करना है। सो आज के लिए इतना ही, अगले पार्ट्स अगले सम अगले वीडियो में करेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, इसको अच्छे से अपनी नोटबुक पे करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।